मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ अपने जनता का आशीर्वाद हूँ, बस आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं खुश हूँ। भाई ये भाई आगे से हट के, भाई आगे से हट के, आगे से हट के भाई, आगे से हट के बाबू, हट के बाबू। एक जून 2024 आज चुनाव का आखिरी चरण है। वैसे तो चुनाव पूरे देश में हो रहा है। 4 जून को फैसला आएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी, यानी 4 जून देश के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इस दिन का इंतजार हर भारतीय को होगा। आपको बता दें कि देश में बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र हैं। सारे क्षेत्र में सबसे अधिक चर्चा बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र की हो रही है। इसका एकमात्र कारण है वहां पर पावर स्टार पवन सिंह। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं और घर घर जाकर वोट मांग चुके हैं। आज काराकाट की जनता के हाथ में ही सब कुछ है, या यूं कहे तो काराकाट की जनता का भविष्य निर्माता कौन बनेगा, ये काराकाट की जनता को ही तय करना है। पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट की जनता का दिल जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, उनका पूरा परिवार और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार तक काराकाट की धरती पर उतर चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पवन सिंह का सीधा टक्कर उपेंद्र कुशवाहा से माना जा रहा है। पवन सिंह से ध्यान खींचने के लिए बीजेपी ने अपनी चाल चली और बिहार के काराकाट में सभी दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए, जिसमें से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। वेल, कौन किस पर भारी पड़ता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन काराकाट की जनता किस तरह से चुनाव को लेकर सीरियस है ये वीडियो देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि पवन सिंह ने जनता से बहुत सारे वादे किए हैं। पवन सिंह की मां ने तो लिखित बयान भी दे दिया है कि वो शिवपुर में स्कूल बनवाएंगे। पवन सिंह की पत्नी ने भी लोगों की समस्याओं को सुनते हुए ये आश्वासन दे दिया है कि उन सभी समस्याओं का हल जरूर निकलेगा। पवन सिंह ने बिहार के काराकाट में फिल्म सिटी से लेकर और भी बहुत सारे विकास करने के वादे किए हैं। आज के इस दिन को विजेता बनने के लिए पवन सिंह ने, उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने और उनके पूरे परिवार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लगातार काराकाट का दौरा कर चुनाव प्रचार करने में पवन सिंह का पूरा परिवार और वो खुद भी बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे। इस बीच भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकार पवन सिंह के सपोर्ट में काराकाट में आकर वोट मांगे, जिसकी खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि काराकाट की जनता जो अपना प्यार पवन सिंह के लिए दर्शा रही थी, वही प्यार वही सपोर्ट वो वोटिंग के दौरान भी दर्शाती है या फिर नहीं। आपको बता दें कि पवन सिंह ने चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी 31 मई को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने काराकाट की जनता को एहसास दिलाया कि वोटिंग कितनी जरूरी है और ये दिन कितना खास है और सभी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए वोट जरूर देना चाहिए। एक बार आप पवन सिंह का ये वीडियो देख लीजिए जिसमें पवन सिंह ने ऐसा कहा है। पूरा करें अपन जिम्मेदारी, मतदान में दी अपन हिस्सेदारी, काराकाट के विकास और समृद्धि के लिए वोट जरूर करें। वीडियो देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि पवन सिंह ने काराकाट की जनता को वोटिंग की जिम्मेदारी का एहसास क्यों दिलाया। इरादा साफ है, पवन सिंह के लिए काराकाट की जनता को वोट देना है, इसीलिए पवन सिंह ने उन लोगों को इनडायरेक्टली याद दिलाया है कि कल जाकर आप सभी लोग मुझे वोट दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे जिताइए। अब जिस तरह का चकाचौंध देखने को काराकाट में मिला था, उसको देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि काराकाट से पवन सिंह का जीतना तय है। यही वजह है कि लोग नारे लगा रहे थे, जय पवन, तय पवन, विजय पवन। आपको बता
दें कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और आज 1 जून को जनता फैसला करेगी कि आखिरकार वो अपना सांसद किसे चुनेगी। वेल 4 जून को हम सबके सामने होगा कि सांसद कौन बनेगा और देश की सत्ता किसके हाथ में होगी। काराकाट से पवन सिंह सांसद बनेंगे या फिर कोई और, अपनी राय हमें कमेंट करें और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।